हाय दोस्तों, अमृतांश रस्तोगी वरा लाइफ स्टॉक में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। एक बार दोबारा 5 महीने हो गए मेरे को आप लोगों के साथ रूबरू हो नहीं पाया, क्योंकि आपको सबको मालूम होगा कि मेरा फार्म बन रहा है नलबाड़ी असम में, तो उसमें इतना ज़्यादा व्यस्त हो गया कि अपनी फैमिली को टाइम देने के लिए टाइम ही नहीं निकाल पाया। माफ़ी चाहूँगा। और मैं आज फिर हाजिर हूँ एक नई चीज़ जो इंडिया के पिग फार्मर्स के लिए पहली बार करी गई थी। इस वीडियो में उसके कुछ अंश दिखाऊंगा मैं आपको। एक ट्रेनिंग रखी गई थी जो सबसे अलग थी, जो सिर्फ आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन के लिए केंद्रित करी गई थी, जो झुंझुनू में हुई थी, यश फार्म्स झुंझुनू में। और आप जानते ही हैं जो ट्रेनर थे बहुत ही रिस्पेक्टेड मेंबर हैं कम्युनिटी के, मिस्टर दीपक जी महिंद्रू, जो स्पेशली इटली से आए थे ट्रेनिंग देने हम जैसे किसानों को। तो चलिए शुरू करते हैं। जो भाई साहब बता रहे हैं इनका अपना यूज करा हुआ है एलोवेरा का, जो पता
वो यूज कर सकते हैं। बेसिकली आपको सब कुछ नहीं करना है, आपको जो ट्रैक है ना उसको आपको आराम से चले जाए, अगर आपने ज़्यादा जोर का धक्का दिया तो वो हर्ट हो सकती है। तो ये तरह के जेल जरूर होने चाहिए जब भी आप काम करें। इसके बारे में कोई जानता है? ये अल्ट्रासाउंड है हाँ प्रेगनेंसी के लिए, लेकिन ये डिस्प्ले नहीं है, ये सिर्फ टोनिक है। इसका नाम होता है प्राइवेट टोन, एक कंपनी है यूएस की जो बनाती है रैंको, ये amazon.com पे अवेलेबल है। तो ज़रूरी मैं आपको बताता हूँ जैसे क्या होता है हमारी फीम, ये एक वर्जन है, लो कॉस्ट वर्जन है प्रेगनेंसी को पता करने का, बट दिस इज नॉट 100% श्योर शॉट, कभी कभी मिस हो जाता है इससे इसके सेंसर से। उसको मादे के ये जो मादे के पीछे वाली टांगे हैं उसके यहाँ पे ऐसे करके लगाते हैं, अगर आवाज़ आए टूटों की तो वो प्रेगनेंट है, उसके अंदर वो बन चुके हैं, थैलिया बन चुकी है। ये इंडिया में मिलता नहीं, ये बड़ी बहुत बढ़िया चीज़ है। जैसे डमी सॉन्ग कौन कौन जाता है, मैं दिखाऊंगा अभी डमी सॉन्ग, डमी साव हिंदी में बता देता हूँ, कृत्रिम मादा बोलते हैं इसे। इसके बारे में बता दें इंडिया में नहीं अवेलेबल है, ये फेरोमोन्स होते हैं, फेरोमोन्स फेरोमोन्स इसका नाम है भैया, बोर मेट, बोर मेट, बोर मेट, बोर बोर कब जाता है सूर्य के पास, बोर यूज मालूम है, बाकी के दो यूज ऐसा बताएंगे। इसका एक यूज है जब आप डमी साव को ट्रेन करते हो, सी एआई इज, ये डालना मुश्किल काम नहीं है, बोर को ट्रेन करना मुश्किल काम है, फिर सीमेंट को हैंडल करना वो मुश्किल काम है, तो ये डालना बहुत ईजी है, ये 5 मिनट में आप सब लोग पारंगत हो जाओगे, इसको डालने में कोई दिक्कत नहीं है। इसको कैसे यूज करना है, इसको कैसे यूज करना है, इसको कैसे यूज करना है, ये मेडिकल डिग्री की कोई जरूरत नहीं, लेकिन प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट। ये क्या करता है, ये फेरोमोन से आप जब उसको डमी साव में डालोगे तो उससे लगेगा ये साव है, टाइम करना धीरे चलता है, राइट एज फॉर बोर, ये सब छोटा सा तराजू, डिजिटल तराजू है। क्यों, जब सीमन आता है आपका तो आपको वेट करते हैं कि कितने ग्राम्स का है, उसके हिसाब से आप एक्सपेक्ट करना पड़ा है, बाहर तो ये 10 दिन भी हो सकता है, बहुत सस्ता के देखे ना जिसको नहीं दिखे भाई, ये वोटर बात है, आपको कुछ भी करना है, सीमेंट जैसे आपने फ्रिज में से निकाला सीमेंट अपना, फ्रोजन सीमेंट नहीं, अगर आपने अपने स्टोर कर रखा है सीमेंट, जैसे फॉर एग्जाम्पल ये इसमें आपने स्टोर कर रखा है या ये बॉटल स्टोर कर रखी है, तो 37 डिग्री में आप उसको लेके आएंगे। सबसे पहले तो आपको इसमें पानी गर्म करना है, ठीक है, इस बिक्री में किसी भी जानवर का ऐसा गोबर नहीं होना चाहिए, उसमें आप 5% करो, फीड खुद बनाओ, कंपनी के भरोसे, मैं किसी भी कंपनी को माड़ा नहीं देता, लेकिन इंडिया में ऐसे एक लोट आपको अच्छा आ जाएगा, दूसरा अच्छा नहीं मिलेगा, तो इसके फीड अपना बनाओगे अच्छे रहोगे, बाकी आपको जैसे गोबर मोस्ट इम्पोर्टेंट, आपको सभी जानवरों का देखना, उसका लैंग्वेज भी थोड़ा चाहिए, तो उसके बाद में 2 से 2.5 घंटे के अंदर फीमेल डिलीवर होनी चाहिए, पहले बच्चे और दूसरे बच्चे के डिस्टेंस में मैक्सिमम 15 से 20 मिनट वेट कर सकते, इससे ज़्यादा लगे तो आपको
अंडे मारोगे तो नहीं जाएगा। भैया थोड़ा सा साइड हो गया। इधर देखने की कोई जरूरत नहीं है, इतना जोर होना चाहिए। जिन्ना पहले मैक्सिमम 12 साल तक बनना है, पहले हम सीमन निकाल लें, बाद में सारे क्वेश्चन का आंसर दूंगा। भाई बातें ना करो, मेरे को सुनो। अभी देखो जो सीमेंट आ रहा है तो प्लीज साइलेंट रहो, क्योंकि बीच में मेरे को कुछ बताना पड़ेगा। जब तक सीमन आ रहा है आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ ऐसे ही पकड़ा है। स्टार्टिंग में जब मैंने इसको निकाला था तो मैंने काफ़ी ज़ोर से पकड़ा था, अभी थोड़ा ढीला किया है, लेकिन जैसे इसकी सीमन की प्रेशर कम होगा इसको फिर टाइट करना पड़ेगा। ये आपको प्रैक्टिस पे आएगा, ऐसे थोड़ा सा मुश्किल है। वैसे जिस टच में मैं निकाल रहा हूँ ऐसे निकालना चाहिए नहीं, ये आपको दिखाने के लिए मैं कर रहा हूँ, लेकिन ऐसे हाथ यहाँ पर होना चाहिए। ये गैप इसलिए रख रहा हूँ कि आप सीमन देख सको, वो वेस्ट सीमन होता है। वेस्ट सीमन मैं आपके हर एक क्वेश्चन का आंसर दूंगा, लेकिन आप प्लीज साइलेंट रहिए, क्योंकि जानवर अगर इरिटेट होगा तो नीचे भी उतर सकता है, तो सीमन पूरा नहीं आएगा। तो अभी पहले से थोड़ा सा इसका प्रेशर कम हो चुका है, अभी सीमन कम आ रहा है। ये कोशिश करेगा पीछे को खींचने के लिए, लेकिन इसको पीछे जाने नहीं देना। तो अब एक बार मैंने प्रेस किया तो ये हिला, अभी ये खुद कांप रहा है। थोड़ा बहुत हल्के से ऐसे हिला सकते हो सीमन, जब आना बंद हो जाए तो लास्ट में, तो थोड़ा बहुत हिलाया तो देखो आना शुरू हुआ है। अभी प्रेशर और बढ़ेगा, तो अब ये जो लास्ट में प्रेशर बढ़ रहा है ना, तो इसमें वो क्या बोलूँ उसको, वो पीछे को खींच सकता है प्रेशर से, तो उस समय आपको ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। तो अभी देखो दोबारा से कितना सीमन आ रहा है, तो हम सेकेंड और थर्ड टर्म भी ऐसा कर सकते हैं, कुल मिला के बोरकुल में छोड़ सकते हैं अच्छे से। आपने लास्ट टाइम कितना सीमन निकाला इसका?
आज भी देगा इसमें तो ज़्यादा है। पिछले 10 दिन से मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, छोड़ रखा है। होना चाहिए 37 डिग्री, क्योंकि जो सीमन होता है वो 37 डिग्री होता है, इसलिए पानी भी 37, हर एक चीज़ 37 डिग्री होना चाहिए। बहुत ज़्यादा सर्दी वैसे तो इंडिया में नहीं पड़ती, वहाँ पर -10 तक जाता है, तो हमारा जो लैप है वो पूरे का पूरा अंदर से 18 से 20 डिग्री रखते हैं, पूरा रूम टेम्परेचर। लेकिन इसके अंदर अगर नहीं रखेंगे तो ये 37 जानते जानते पूरा दिन लग जाएगा। अगर 0 डिग्री है तो ये भी 0 डिग्री में रहेंगे, तो 37 करने में बहुत समय जाएगा। लेकिन इंडिया में इतनी गर्मी नहीं पड़ती, मैक्सिमम कितना होता है सर्दी में? सर्दी तो ये चीज़ भी अगर आप प्लास्टिक की ले रहे हो तो उसको गर्म करने की ज़रूरत नहीं है, अगर ये मिल जाए आपको तो सबसे बेस्ट है। इसको भी थोड़ी सी हवा देनी है, तो ऐसे डिप करना है, हवा बंद करनी है और एक ड्रॉप इधर। मैंने इसलिए डाला क्योंकि हम कंजूसी करते थोड़ी सी, इसको एक स्लाइड को 3 बार चेक कर लेते हैं। दूसरा ड्रॉप यहाँ डाल सकते हो आप, तो ये जो छोटे वाला है आप इसको ऐसे पकड़ना है, दूसरी तरफ पकड़ोगे तो आपके फिंगरप्रिंट्स आएंगे इसके ऊपर। वैसे तो इसकी सेटिंग बनी हुई है, आप उसके अंदर फिट करके तो इसको यूज कर सकते हो, सेंटर इसका निकाल सकते हो, लेकिन आप ऐसे ही कर लो। अच्छा सीमन होगा तो 30 सेकंड से भी कम समय लगेगा सीमन को देखने को। अभी मैंने इसको पकड़ लिया, अगर सीमन अच्छा नहीं है आधा घंटा लग सकता है, माइक्रोस्कोप जितना मर्जी अच्छा हो। डॉक्टर साहब आइए, दोनों लगा लो जी। एक सेंटर में आपको एक जुड़ा सा दिख रहा है कुछ? हाँ जी हाँ, वो वेस्ट सीमन है। ऐसे अगर आपको ज़्यादा दिखे तो वो सीमन आपके लिए ठीक नहीं। इसमें एक ही दिख रहा है ना, एक या दो है सर? इसमें लेंस कौन सा, नीचे 10x में? अगर आपको इसमें से 100 पीस दिख रहे हैं तो उसमें से आप खुद चेक करो कि कितने धीरे चल रहे हैं और कितने ज्यादा फास्ट चल रहे हैं। इस ये देसी तरीका है, लेकिन हर एक चीज़ का स्टैंड आता है, उससे आप सेफली कर सकते हो, तो अगर पकड़ लो तो बेस्ट है। हाँ ये बेस्ट है। तो अभी एक मिनट, ये 300 ml है ना, जो 1 लीटर पानी है, तो अभी इसको ध्यान से देखना। ये बहुत ट्रांसपेरेंट है, आपको अपने आपको अपनी फिंगर नहीं दिखनी चाहिए, फोन की लाइट से दिखा दो, फिंगर नहीं दिखनी चाहिए। हाँ, क्योंकि ये बहुत ज्यादा पतला है, इसलिए ये 100 ml इसलिए डाला, आपको वो दिखना चाहिए कलर कैसा होना चाहिए। अभी 300 ml ये बहुत अच्छा है, वाइट दिख रहा है ना, ये 2 लीटर पानी में भी जा सकता है, लेकिन उसके लिए आपको वो चेक करने के लिए वो चाहिए फोटोमीटर। तो अभी डोज बनाया जाए, ढक्कन नहीं लगेगा, कहाँ इसका ढक्कन? अभी मैं अपने आप को लूँगा, नहीं तो ऐसे टाइम वेस्ट जाएगा। तो ये हो गया सीर, और ये बना आपका 91, काफ़ी है करने के। आपने 4 पेनों से ही आप जैसे भैया अगर ये बना लिया है तो हम इसको किस टेम्परेचर में 5 दिन तक रख सकते हैं? 17-18
करोगे थोड़ा? हाँ उल्टा घुमाना है, निकालने की तरफ इधर, निकालने की तरफ। तो अभी हो सकता है ये सीमेंट कम खींचेगी। मसाज कर, ऊपर ऊपर वजन भी डाल सकते हो वैसे, बस काफी है। सर जो भी बीच में पाइप डाला था वो आगे तक जाता था, पर ये तो आप आगे तक नहीं जा रहे। हाँ इसीलिए नहीं डाला क्योंकि हम पहले डाल चुके हैं। जी सिंपल है, ये सिंपल तो है अपने लिए। नहीं है इसमें कोई जरूरत नहीं, उससे इनके लिए तो खराब नहीं होती। किसी ने डाल दिया उसके पूरी अंदर, जो अंदर वाली जो नली जाती है वो डालना अगर किसी ने जबरदस्ती घुसा दी नहीं, उसको समझ में नहीं आया अंदर ब्लीडिंग हो जाएगी। बस आपको खुद फील आ जाएगा, रुक जाएगा, रुक जाएगा वो। दोबारा पीसीसीआई वाला नहीं, फर्स्ट टाइमर को नहीं जरूरत, सेकंड टाइमर को जरूरत होती है। ओके तो ये जो हमारा नॉर्मल कैथेटर है इसमें भी वो डल सकता है। हां डलेगा, कितना जाएगा नहीं जाएगा वो सीधा अंदर जाएगा, फर्स्ट टाइम को जरूरत नहीं है, सेकंड टाइमर। ये फैमिली 9000 के पार जा चुकी है। मैं जब 5 महीने पहले इरेगुलर हो गया था, वीडियो नहीं डाल पा रहा था, तो मैंने 5000 पे छोड़ा था। आपके प्यार और आपके दुलार ने मेरे को इतनी शक्ति दी कि मुझे लगा कि ये वापस चालू करना चाहिए, ये मुहिम वापस आनी चाहिए। तो आपके सामने ये चैनल अब वापस उपस्थित है। ऐसे ही प्यार करते रहना, ऐसे ही प्यार देते रहना। मैं आपके लिए कुछ नया नया हमेशा लाता रहूँगा जो आपको बहुत हेल्प करेगा।